प्रवचन सार की ग्रंथ गाथा नंबर गाथा पढ़ते हैं हम देखो इसकी उत्थानिका गाथा नंबर 77 की उत्थानिका प्रवचन सार। अब पुण्य और पाप की अवशिष्टता का निश्चय करते हुए इस विषय का उपसंहार करते हैं। क्या कह रहे हैं? पुण्य और पाप की अविशेषता का निश्चय करते हुए। अविशेष माने विशेष किसे कहते हैं? हैं अंतर डिफरेंट। विशेष माने अलग है कुछ, एक विशेष है, विशेष अतिथि, अलग थोड़ा होना, सेम नहीं होना। विशेष माने भेद अंतर, अविशेष माने समान, अंतर नहीं होना, भेद नहीं होना। तो पुण्य और पाप में भेद नहीं है, अंतर नहीं है, दोनों समान है। ये बात कह रहे हैं पुण्य और पाप की अविशेषता का, माने उन दोनों में भेद नहीं, अभेदता का, दोनों एक ही है। ये बात कह रहे हैं पुण्य और पाप की अविशेषता का निश्चय करते हुए ये पूरे विषय का उपसंहार करते हैं। मैंने यहाँ तक आते हुए हमने ये समझाया तुम्हें कि जब पुण्य के फल में भी दुखी है तो पुण्य और पाप में अंतर कहाँ हुआ? दोनों के फल में दुखी तो मिल रहा है, सुख मिल रहा है। मैंने तुम संसार में चाहे पाप बांधो चाहे पुण्य बांधो, किसी भी इससे सुख नहीं मिलने वाला, न पुण्य भाव सुख देने वाला है न पाप भाव। अविशेषण तुम का भी अर्थ है, विशेष माने भेद। नहीं नहीं बहुत कर, और भी करते हैं। समान है, समान सम अविशेष संस्कृत में ऐसे अविशेष, विशेष माने भेद अंतर, अविशेष माने भेद नहीं, विशेष नहीं है, मतलब वो सेम है। क्या इन दोनों में कोई भी विशेष नहीं है? हम में कोई विशेष आदमी नहीं है, हम सब ये इसकी संस्कृत में ये विशेष और अविशेष शब्द प्रयोग करते हैं। अथ पुण्य पापियो अविशेषत्वम निश्चित निश्चिन्वन उपसहरती, संस्कृत में ना बोलते हैं। तो इन दोनों में अविशेषता का निश्चय करते हुए इस विषय का उपसंहार करते हैं। ये विषय यहाँ पे फिनिश करते हैं और फिर नया विषय चालू करेंगे। देखो पढ़ता हूँ गाथा। नहि मन्नति जो एवं नत्ति विशेषोति पुण्य पावानं हिंडदि घोरं पारं संसारं मोहसं शन्नो पुण्य एवं पाप में अंतर नयो। क्या है पुण्य एवं पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये संसार सागर में भ्रमे मदमोह से आछन्न वे। कितनी स्पष्ट है, पुण्य एवं पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये संसार सागर में भ्रमे मदमोह से आछन्न वे। कुंदाचार्य देव के शब्द है, नहीं मन्नति जो एवं नत्थि विशेषोति पुण्य पावाणम हिंडदि घोरं पारं संसारं मोह संचन्नो। क्या है देखो, वो हिंदी में वही वही अर्थ है, लेकिन किसी को हिंदी में विश्वास नहीं हो तो इसलिए मेरे को प्राकृत बोलनी पड़ती है।
क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है क्या पता इन्होंने चीट कर दिया। नहीं मन्नदी, मन्नदी माने मानते हैं, जो ऐसा नहीं मानते हैं कि पुण्य और पाप में अविशेषता है। नहीं मन्नदी जो एवं नत्थि विशेषोति पुण्य पावाणम, नत्थि माने नहीं है, विशेषो माने विशेष, पुण्य पावाणम पुण्य और पाप में कोई विशेष माने अंतर नहीं है। नहीं मन्नदी जो एवं जो ऐसा नहीं मानते हैं, हिंडदी माने झूलते हैं, घोर हिंडदी घोरम पारम घोर अपार संसारम संसार में मोह संचन्नो, मोह से आच्छन्न होते हुए चैलेंज दिया उन्होंने, चैलेंज क्या लोग कहते हैं पुण्य और पाप में अंतर है। वो कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं जो पुण्य पाप में अंतर, पुण्य पाप में अंतर नहीं है वो इतना ही नहीं है, जो ये बात नहीं मानते हैं घोर अपार संसार सागर में, घोर अपार संसार सागर में घूमते हैं, माने चार गति 84 लाख योनियों में घूमते हैं, उनको संसार से पार होने का मार्ग नहीं मिलेगा क्योंकि वो पुण्य और पाप में अटके हुए हैं, तो संसार में अटके हुए हैं। तो पुण्य और पाप दोनों का फल क्या है? संसार, संसार। जो शुद्धोपयोग की बात नहीं करे, संसार से छूटने की बात नहीं करे, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। जैन धर्म की बात करें और संसार से छूटने की बात नहीं करें, ये बात करें कि देवगति में कैसे जाएंगे, भोग कैसे मिलेंगे, ये बांधो क्या, ये बांधोगे जो ऐसा करोगे जो बेनी गोली लेगा उसको ये मिलेगा और वो मिलेगा, भगवान क्या बात कर रहा तुम है, सोधर इंद्र बन जाओगे और ये सचिन रानी बन जाएगी और ये वो बन जाएंगे, भाई साहब तुम मोक्ष कैसे जाएंगे ये तो बताओ। ये दुनिया में सबको सोधर्मिंद्र बनने का शौक है, इंद्राणिया बनने का शौक है, लेकिन किसी को भी भगवान बनने का शौक नहीं है। लोगों करोड़ों रुपए लेके सोधर्मिंद्र बनने को तैयार है और मुफ्त में भगवान बनने का उपाय है वो सुनने को तैयार नहीं, क्यों? प्रवचन सार सुनने में कितने पैसे लगते हैं, कितने पैसे लगते हैं? यहाँ से जाने का रास्ता ना, यहाँ रास्ता गाड़ी खड़ी कर दो बैठ जाओ, नहीं तो थोड़ा सा पैदल आ जाओ भाई, पेट्रोल का भी खर्चा होता है। आश्चर्य की बात, मतलब एक मेरी जन अपने यहाँ की प्रवचन की नहीं करे कि आदमी भगवान बनने का मार्ग नहीं प्राप्त करना चाहता, देवगति कैसे चले जाऊँ, सौंदर्यमित्र कैसे बन जाऊँ, भोग कैसे मिल जाए, पुण्य किससे बंधेगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लोगों के जो क्वेश्चन आते हैं उससे समझ में आता है कि लोगों का स्तर क्या है, क्या क्यों साहब यदि अपन ने भक्तावन स्त्रो की एक कड़ी बोली तो कहीं पाप तो नहीं लग जाएगा? मैंने कहा बहुत लग जाएगा, भयंकर, बहुत भयंकर लग जाएगा। क्या तो फिर क्या करें, पूरा बोलना पड़ेगा, वो फिर हमको टाइम तो रहता ही नहीं है। मैंने कहा बोल पूरा बोला, मैंने कहा देख भाई तू एक बोल कि आधा बोल कि पूरा बोल, पांच कड़ी बोल, बिना समझे बोलेगा तो तेरे को उसका क्या फल मिलने वाला है क्या? और ये डराने से क्या मतलब है कि एक कड़ी बोलेंगे तो ये हो जाएगा और दो कड़ी बोलेंगे तो ये हो जाएगा। मेरे को एक जन ने बोला तुम्हारे ऊपर घोर संकट आने वाला है, क्यों? बोले तुम भगवान की मुँह तरफ करके पूजा करते हो और तुम जो है तुम जब स्वाध्याय करते हो तो तुम्हारी दिशा का तुम ध्यान नहीं रखते, तो घोर संकट आएगा। ठीक है संकट आएगा तो झेलेंगे, कोई बात तो नहीं। मैंने कहा तू पूजा नहीं करे और स्वाध्याय नहीं करे तो तेरे तो सब संकट टल रहे हैं और मेरे ये दिशा इधर इधर कोई बैठा हुआ था तो मैंने कहा इधर बैठ जाओ, तो अब वो कौन सी दिशा है और क्या है और वो क्या नहीं है और सब उसमें दिमाग लगा रहे, मतलब मूल चीज। और मेरे को भयभीत करें क्या, हमारे मंदिर में कुछ काम था थोड़ा सा, एक जने को ले गया तो उसने ऐसी ऐसी बातें बताई, अपन तो इसलिए ले गए कि ये थोड़ा सजेशन दे प्रतिष्ठाचार सोच के, इसके शिखर में ये है तो इस कुटुंब का नाश हो जाएगा। अच्छा और क्या होगा, यहाँ के सब लोग पापी रहेंगे भयंकर, अच्छा और
मैंने कहा मैं ही हूँ लाने वाला, तुमको पापी भी हो तो मैं ही। भयभीत क्यों करते हो, किससे क्या है इससे? शिखर से मेरा क्या संबंध है? डराना जबरदस्ती लोगों को वास्तु के नाम पे और शिखर के नाम पे, इसके नाम पे, उससे क्या संबंध है भाई? सीधी सीधी बात ही बताओ कि संसार का अभाव कैसे होगा, यहाँ लोग आएंगे तो व्यवस्थित कैसे पढ़ सकेंगे? कि हमें ये सुनना है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। हमें ना किसी का भय है संसार में और ना मैं संसार में किसी वस्तु की चाह। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जाति का पाप का उदय आना हो तो आए और पुण्य का उदय आए तो आए। ना हमें पुण्य के उदय की चाह है और ना पाप के उदय की परवाह है। ये भय भय नहीं है, ऐसे भय तुम अपनी जेब में रखो। भय यदि है तो संसार में घूमने का है। तुम संसार से पार होने की तो बात ही नहीं करो और बस यही हुई हुई दूसरे को डराना चमकाना जबरदस्ती लोग, और या फिर किसी को किसी से पैसे है मतलब किसी को जो है लालच दिखा के उसके पैसे छीन लो। भाई तेरे को तू ये बन, तेरे को पुण्य तब पुण्य बन जाएगा, तेरे को उससे तू सुधरने नहीं बन जाएगा, उससे छीनना नहीं बन जाएगा। यही कि जो ये नहीं समझता है कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, किन दोनों में पाप, वो क्या करेगा? वो संसार सागर में घूमेगा। ऐसा कोई अंतर नहीं है। किस अपेक्षा से ध्यान रखना है भाई, इनके फल में जो मिलने वाली चीज है वो अतिंद्रिय आनंद नहीं है। एक इंद्रिय आनंद है जो तृष्णा को बढ़ाता है, एक इंद्रिय दुख है जिसमें भी जीव जो है निरंतर आकुलित होता है, लेकिन है दोनों ही दुख रूप, दोनों में आकुलता है, दोनों में सुख नहीं है। पुण्य के फल में सुख है, बताओ अनुकूलता वाला जीव सुखी है? अपन यही लोक में देखते हैं जिन्हें अनुकूलता है कि पुण्य का उदय है, क्या वे सुखी दिखाई देते हैं कि वे भी तृष्णा के मारे दुखी दिखते हैं? है संसार में जितने जीव है आपको पुण्य के उदय वाले भी, क्या वे सुखी दिखाई देते हैं? वे भी सब तृष्णा के मारे भयंकर दुखी दिखते हैं, संतप्त है, दुखी है, संतप्त है, फिर भी वो आमरण विषय सुख नहीं छूटते उनसे, विषयों की तृष्णा इतनी भयंकर है। तो इसलिए संसार में चाहे पुण्य के उदय वाले हो चाहे पाप के उदय वाले हो, हमें तो सब समान रूप से दुखी दिखते हैं, इसलिए हमारी दृष्टि में तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये कह रहे थे पढ़ू मैं कथा टीका। इस प्रकार वस्तु स्वरूप को जानकर, एक मिनट सॉरी, इस प्रकार पुण्य और पाप में अंतर नहीं है, ऐसा जो नहीं मानता वह मोह आच्छादित होता हुआ घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है। कहाँ परिभ्रमण करता है? घोर में, घोर और अपार, जिसका कोई पार नहीं है। घोर माने अत्यंत विस्तीर्ण, बहुत बड़ा, ऐसे संसार में घूमता है। क्या देखो, जीव को शुद्ध उपयोग की प्राप्ति हो चाहे ना हो, लेकिन उसके श्रद्धान में उसके प्राप्ति का लक्ष्य तो बने उसको कि मुझे प्राप्त क्या करना है, उद्देश्य तो क्लियर हो जाए। हम इस भाव में नहीं पर भाव में प्राप्त करें, लेकिन हमारा ध्येय तो साफ हो जाए कि हमें प्राप्त शुद्ध उपयोग करना है। ये पुण्य और पाप में भी अटक जाए तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि दोनों ही संसार में उच्छिन्न परिभ्रमण कराने वाले। क्या ये बात अलग है कि हम जो है वही शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए अपने कषाय आदि को छोड़कर हम देव पूजा मतलब देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हैं, माने पाप से बचने के लिए करते हैं, शुद्धोपयोग में जाने का उसके निमित्त से पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन ये अटकने की जगह नहीं, माने ये संतुष्ट होने लायक नहीं है, हमारा लक्ष्य तो और भी आगे का है। क्या लक्ष्य बना था? क्लियर क्लैरिटी होती है जिनको, स्पष्टता, जिनके ज्ञान श्रद्धान में स्पष्टता है उन्हें मुक्ति मार्ग दूर नहीं है, जिन्हें ज्ञान श्रद्धा नहीं भ्रष्ट है उनका मुक्ति मार्ग दूर नहीं है।
जाता है ना, सब सब श्रद्धा जाता है, उसी श्रद्धा के निमित्त से तो यहाँ बैठे हैं भाई। जिसको ये बात जमती है, एक को बात सुनने में ही अच्छी नहीं लगती, जैसे गाथा है उसको सुनाओ, तो उसकी मान्यता में तो ये बैठा है कि भाई पुण्य जो है सुख का कारण है, मोक्ष का कारण है, धीरे धीरे पुण्य करते करते एक दिन क्या हो जाएगा, मोक्ष का है, तो उसको बात रुचती नहीं। तो वो क्या करता है कि जब उसको बात नहीं रुचती तो कुंदकुंदाचार देव भी आरोप लगाना चालू करता है सीधे कि कुंदकुंदाचार देव ने आती कर दी। एक लेख है, मैंने लेख पढ़ा लिया, उसमें एक जना ने लिखा कि कुंदकुंदाचार देव जो है ना आती कर गए, थोड़ी आती कर गए, ऐसा उन सज्जन महोदय ने अपनी क्या भाई, वो सर्वज्ञ देव है, वो खुद ही कुंदकुंदाचार देव क्या है उनके सामने। तो उन्होंने कहा कि कुंदकुंदाचार देव थोड़ा अति कर गए, थोड़ा उनको संभल के लिखना चाहिए। अब उनको संभल के लिखना चाहिए, तुमको अपनी मान्यता बदलनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, लेकिन क्या करे, रुचे नहीं तो क्या करें। और ये प्रामाणिक है कि भाई ये गाथा लिखी हुई है, अब क्या करें, तो सीधे कुंदकुंदाचार देव को चैलेंज करें। और कभी भी जिस आदमी को भी शुद्ध उपयोग की महिमा बतानी हो और ये पुण्य पाप में अंतर नहीं है ये सब बातें बतानी हो, तो ये सीधे गाथाओं का आधार लेके बात करनी चाहिए। तो सीधे तू उंगली उठाएगा तो हम पे नहीं उठाएगा, ये उंगली सीधे किन पे जाएगी, कुंदकुंदाचार देव। तो उनसे क्वेश्चन करिए, और उनसे भी क्या, वो उन्होंने जिनसे प्राप्त किया ऐसे गौतम मंडल की जो वाणी उससे कर, और गौतम मंडल से क्यों, भगवान से क्वेश्चन कर, और भगवान से क्यों, वस्तु स्वरूप से क्वेश्चन कर कि ऐसा क्यों है, वस्तु स्वरूप से क्वेश्चन कर कि क्यों है ऐसा, तो समझ में आएगा तेरे को, वस्तु स्वरूप से क्वेश्चन करेगा कि भाई वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि इन दोनों का फल जो है वो संसार है। क्या आत्मा की सन्मुखता नहीं होगी तो शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, आत्मा की सन्मुखता ही आत्मा की प्राप्ति का उपाय है, वो मोक्ष माने शुद्धात्मा की प्राप्ति। अब तो पुण्य पाप में अटका हुआ है तो परद्रव्य में ही अटका है ना, पाप में विषय भोगों में अटका हुआ है, पुण्य में देवशास्त्र में अटका हुआ है, अपनी आत्मा में कहाँ आया है, और मोक्ष में होगा आत्मा में लीन, और आत्मा में अभी आए भी नहीं है, मोक्ष में चले जाएगा कैसे हो जाएगा, मैंने मैं सेवा करूँगा दूसरे की और उससे मेरी आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी, अपनी आत्मा की सेवा करूंगा तो अपनी आत्मा की उपलब्धि होगी कि भगवान की सेवा पूजा करूंगा तो उससे मेरी आत्मा की उपलब्धि होगी। अरे भगवान की पूजन भक्ति आदि करके हमें अपना आत्मा का स्वरूप ख्याल आए, वो तो हमारे लिए माध्यम है अपने आत्मस्वरूप को जानने के लिए, क्या उनकी भक्ति तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके निमित्त से हमें अपना आत्मा स्वरूप ख्याल में आए, क्या क्योंकि जैसे वे हैं वैसे ही मेरा आत्मा का स्वरूप है, तो उनको देखकर मुझे अपना आत्मा दिखाई दे, इसके लिए मैं उनको देखता हूँ, उनको देखने के लिए उनको नहीं देखता हूँ, उनको देखने के लिए उनको क्या देखें, वो तो जो महान हो गए होंगे अपने आप में, लेकिन उनको देखकर हमें अपना आत्मा स्वरूप आए, और जैसे वे हैं वैसे ही मैं हूँ ऐसा ख्याल होकर और हम अपनी आत्मा को देख लें उनके निमित्त से, जैसे दर्पण से हम अपना चेहरा देख लेते हैं, जैसे भगवान को देख कर हम अपना स्वरूप देख लें, तो उसमें उपलब्धि है। तो क्या वो ले जा रहे हैं अभी वहीं पर, अभी वहीं जा रहे हैं सब धीरे धीरे, लेकिन पहले तैयार कर रहे हैं कि भैया तुम जो है मोह के नाश का उपाय करो, ये पुण्य और पाप में, ये पुण्य पाप में पड़े रहोगे तो मोह का नाश नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों मिथ्यात्व के नाश का उपाय नहीं है, पुण्य में भी आदमी उसमें परद्रव्यों में अटका हुआ है और पाप में भी उलझा हुआ है, दोनों में मान्यता तो उसकी वही की वही है, पुण्यशाली भी यही मानता है कि शरीर स्त्री पुत्र कुटुंब आदि मेरे हैं, वो भी मोही है, और पापी जीव भी मोही है, मोह का अभाव तो दोनों के ही नहीं हो रहा है, क्या मैंने परद्रव्यों में अपनापन किसका छूटा, छूटा क्या, धर्म करने का सार क्या है, हाँ मोह उल्टी मान्यता मिथ्या, मोह का अभाव होना, परद्रव्यों में अपनेपन का अभाव होना, ये धर्म का फल है, मोह छूटना, मोह का अभाव, तो ये जो जीव है ना ये मोह का अभाव नहीं कर पाता, ये भले ही पुण्य बांधता है, पुण्य के फल में देवादि विभूति को प्राप्त करता है, सब करता है,
लेकिन मोह का अभाव करने में यह असमर्थ है। और जिनवाणी तो उसके गीत गाती है जो मोह का नाश करता है। जिनवाणी को कोई मतलब नहीं है तुमने कितना पुण्य बांधा, जिनवाणी एक ही बात पूछती मोह का नाश हुआ नहीं हुआ, बस सफलता कायम है मोह के नाश, सारा धर्म का सार कायम है मोह के नाश। और मोह नहीं गया कोई परद्रव्य में अपनापन वैसे ही रहा, परिवार कुटुंब में राग आदि भाव अपनापन जो कत्यो है, बल्कि और पुण्य के उदय में और अधिक है, तो कोई उपलब्धि नहीं हुई। ये इस प्रकार पुण्य और पाप में अंतर नहीं है ऐसा जो नहीं मानता है वो मोह आच्छादित होता हुआ, मोह से और आच्छन्न होता हुआ, मोह में डूबता हुआ, मोह में ही तो ऐसा जीव जानता है भाई। मोह के उदय में आदमी को पुण्य बहुत अच्छा लगता है, पाप का उदय अच्छा नहीं लगता, पुण्य का उदय बहुत अच्छा। पुण्य के उदय वाले बहुत महान दिखते हैं, पाप के उदय वाले महान नहीं दिखते हैं, जबकि हे दोनों क्या स्थिति, दोनों संसारी। पुण्य के उदय वाले अपने कैसे लगता, कितने धर्मात्मा है, कितने पवित्र आत्मा है। पुण्य के उदय में अपन क्या कहते हैं, धर्मात्मा। पुण्य के उदय का धर्म से संबंध है क्या? है संबंध, जिसके पुण्य का उदय अधिक है वो धर्मात्मा है। लोक में भले ही ऐसा कहा जाता हो, लोक में ही स्थिति है, लोक में धर्मात्मा किसको संख्या देते हैं, पुण्य का उदय अधिक हो, पैसे वाला हो कोई, दुनिया अपने लिए 10-20 हज़ार रुपये बोल जाए, 10-20 लाख में बोल जाए, तो लोगों को भले ही जो मैंने कहा वो याद रहे या नहीं रहे, लेकिन वो आदमी आके इतने रुपए दे गया था ये मरते दम तक नहीं भूलेंगे। परीक्षा में उसके क्वेश्चन पूछ लो क्या क्या बोल के गया था वो भी लिख देंगे। गाथा याद रहे या नहीं रहे, क्यों क्या करो, ऐसी स्थिति है। पैसे किसने कितने दिए, किसने कितने लिए, क्या करा क्या नहीं करा, ये सब इसमें दृद्धि लगी हुई है, परंतु क्या आचार्य देव कहते हैं इसमें हमारी बुद्धि नहीं जाती। आजकल तो धर्म के नाम पर चर्चा क्या होती, तो यही है जितना उदय चाहिए ना पुण्य का, उससे अनंत गुना उपलब्ध है, लेकिन अपने पास जो उपलब्ध है अपन उसके कितना धर्म में कर रहे हैं। ये लाइट तो यहाँ 24 अभी चाहिए रात को, दिन में तो कुछ नहीं चीज, दिन में कौन आके बैठ रहा है, इनका कहना पुण्य के उदय से लाइट मिलती, पुण्य का उदय नहीं हो तो लाइट चली जाए, ठीक है बराबर है। अपन अपने घर के अंदर जितना अपने को पुण्य के उदय से जो जो सामग्री मिली है उसका हिसाब किताब लगाओ। मैं अनेक बार कहता हूँ कि आपको जो कुछ भी रुपया पैसा मिला है पुण्य के उदय से, आप उस सब का हिसाब किताब लगाओ, और आप हिसाब किताब लगा के देखो कि उसमें से कितना परसेंट आपने धर्म में लगाया है और कितना आपने विषय भोगों में लगाया है। अपने घर की सारी चीजों को रखो एक बार और सबकी मूल्यांकन करो, सबके आगे कीमत लिखो, जूता 1,000, चप्पल 300, कपड़ा ड्रेस 500, सबकी एक लिस्ट बनाओ, और दूसरी एक लिस्ट इसकी भी बनाओ कि हमारे हमने कितना पैसा धर्म की चीज़ों के लिए खर्च किया। तो समझ लो प्रवचन साल पढ़ाओ तो इसकी भी कीमत लिख दो 50 रुपये, 50 का भी नहीं होगा, 50 का है क्या चिंता, अरे 50 का मत देखो। तो एक काम करो, अपने सारे घर के अंदर जितनी भी धार्मिक चीज़ें आपने खरीदी आज तक, एक उसकी लिस्ट बनाओ, और फिर अब आप देख लो कि आपने अपने कितने पुण्य का उपयोग धर्म की चीज़ों को खरीदने में किया है, और अपने उस पुण्य का उपयोग कितना आपने भोगों भोग की चीज़ों में किया। आपको अपनी असली स्थिति सामने दिख जाएगी कि हम कितने पानी में हैं। क्यों
जितने रुपए की आज तक आपने चप्पलें खरीदी होगी, जूते खरीदे होंगे, कपड़े खरीदे होंगे, आप उतने रुपए की भी यदि जिनवाणी लाए हो तो मैं कहता हूँ आपका कल्याण दूर नहीं है। लाए उतने की साल भर में जो कपड़े जूते चप्पल भोगो भोग के गिलास के, अरे टीवी लेके क्या आए कि नहीं आए, टीवी आए कि नहीं आए, कितने की लेके आए, कितने की आती है, 50,000, 5,000 रुपए की भी जिनवाणी लेके आए, कौन लेके आए, 5,000 रुपए भी किसी ने खरीदे हो जिनवाणी में, तो एक आदमी बताओ मेरे को जिसने 5,000 रुपए की जिनवाणी अपने घर पे खरीद के बसाई। जरूरत क्या है, लोग तो ऐसा करते हैं यहाँ है तो सही मंदिर में, तो यहीं आके पढ़ लेंगे और ज्यादा होगी तो मंदिर की उठा के ले जाएंगे घर पे, खरीदे क्यों उसको, मैंने उसके साथ ऐसा करते हैं जैसे कभी वो पैसे उसमें खर्च करना बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, एकदम एकदम अनर्थ हो जाएगा यदि अपन ने 1 रुपये भी जिनवाणी खरीदने में एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, तो कैसी प्रवृत्ति होती है, 5 किताबें एक्स्ट्रा मंगाना हो तो सब क्या है, नहीं जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, यहाँ रखी तो रहती है, ये से उठा ले जाएंगे, कैसे करते हैं एकदम। और घर के अंदर यूं कहो रोटी क्या है, सुबह खाई थी तुमने और आज शाम को लेने ही पूछा, क्यों जो जूते लेके आए 10 साल पहले उसको कहने, कोई तैयार नहीं होगा उसके लिए। तो इसलिए जो जो आप कह रहे हो कि हमको पुण्य के उदय से इतनी अनुकूलता मिली कि हम धर्म करें, तो आप कितना कर रहे हो ये तो देख लो, आप आपको कितना टाइम मिला है, चलो मनुष्य भाव में समय की बात करो, आपको इतना समय मिला है, 5 इंद्रियां मिली है, बुद्धि मिली है, तो आप उस बुद्धि का भी कितना उपयोग कर रहे हो और कितना उपयोग भोग भोग की सामग्री जुटाने में कर रहे हो, कितने समय का उपयोग कर रहे हो, चलो समय की बात कर लो, हैं इंद्रियां बराबर है 5 इंद्रियां, तो आप उसमें कितना अपन उस इंद्रियों का उपयोग, कितना अपन किताब पढ़ने में कर रहे हैं, इन आंखों को अपन कितना विषय भोग में लगा रहे हैं, कितना इसको पढ़ने में लगा रहे हैं, इन कानों से हम कितनी देर जिनवाणी सुनते हैं और कितनी देर गाने सुनते हैं या फालतू की बातें सुनते हैं, ये मुंह मिला बोलने के लिए तो हम कितनी देर जिनवाणी के शब्द बोलते हैं और कितनी देर फालतू की बातें करते हैं, हम क्या कर रहे हैं देख लो ना, जो 5 इंद्रियां मिली है पुण्य के उदय से, तो आप अभी हिसाब किताब कर लो कि आप इन 5 इंद्रियों का कितना उपयोग धर्म के लिए कर रहे हो और कितना विषय भोग के लिए कर रहे हो, क्यों जितनी सेवा आप शरीर की करते हो उसका 10% भी आप आत्मा की करते हो, शरीर को निलाने में आधा घंटा बैठा रहेगा और यहाँ तो वो फटाफट क्या जिनवाणी तो एकदम, तो एक सज्जन है हमें पूजा करते हुए ऐसे ही चलती हूँ 5 मिनट में तो पूजा हो जाती है, आप लोग जानते हो इतनी स्पीड रहती है, दर्शन भी करते जाते धड़ाधड़ा फटाफट फटाफट जाना बैठा 15 मिनट में साफ, इसलिए जो है वो सब छोड़ो, ये सब बातें कहने की है कि हमको पुण्य का उदय रहेगा तो हम धर्म करते रहेंगे, जो है माँ तो कर नहीं रहा है और कह रहा आगे और पुण्य मिलेगा तो उससे धर्म करेंगे, भाई साहब इतना पर्याप्त उदय मिला है कि तुम उसमें ही अपना हित कर लो, तुम अभी नहीं कर रहे हो, अभी इन इंद्रियों का उपयोग धर्म के लिए नहीं कर रहे हो तो बाद में वो इंद्रियां मिल भी जाएगी तो कौन उसका धर्म के लिए साधन कर लेगा, इसलिए सब बातें बेकार है। देखो टीका पढ़ता हूँ मैं तो, यो पूर्वोक्त प्रकार से शुभ और अशुभ उपयोग के द्वेत की भांति और सुख दुख के द्वेत की भांति परमार्थ से पुण्य पाप का द्वेत नहीं टूटता, क्योंकि दोनों में अनात्म धर्मत्व अविशेष अर्थात समान। क्या कह रहे हैं कि शुभ और अशुभ उपयोग के द्वेत की भांति, शुभ और अशुभ उपयोग में दो बना नहीं है, सुख दुख में दो बना नहीं है, ऐसे वास्तव में पुण्य पाप का भी दो पना नहीं, अथवा यूं कहें कि भले इन दोनों में दो पना मान भी लो कि सुख और दुख दो चीजें हैं, शुभ और अशुभ उपयोग दो प्रकार के हैं, लेकिन वास्तव में पुण्य और पाप दो पना इनमें नहीं टिकता, परमार्थ से पुण्य और पाप का द्वेत, द्वेत माने दो पना, ये दो है ये बात नहीं टिकती, पुण्य और पाप
का द्वैत, द्वैत माने अंतर, ये दो चीजें हैं, तो ये दो चीजें हैं, ये बात सिद्ध नहीं होती, क्योंकि दोनों में अनात्म धर्मत्व माने आत्म धर्म नहीं होना, अनात्म धर्मत्व पॉइंट दोनों में क्या है, अविशेष अर्थात समान, माने दोनों ही अनात्म धर्मत्व है, दोनों आत्म धर्म से दूर है, आत्म धर्म बनाना इसमें है ना, इसमें ना आत्मा का धर्म पुण्य है ना आत्मा का धर्म पाप, न इसमें ये आत्मा में आया है ना इसमें आत्मा में आया, न पुण्य में वो आत्मा में आया है ना पाप में वो आत्मा में आया, और धर्म बना तो आत्मा में आने से होता है, आत्म धर्म बना नहीं है उन दोनों, आत्म धर्म बना होता किसी एक में और दूसरे में नहीं होता तो हम दोनों को क्या मानते, अलग अलग, लेकिन दोनों में अनात्म धर्म बना समान। देखो ये ध्यान रखना किसकी अपेक्षा समान है, आत्म धर्म बना नहीं होने से वे दोनों समान है, बाकी संसार के सुख दुख की बात करो तो उसकी अपेक्षा अंतर जो है सो है क्या भाई, जिनको संसार में ही रहना है भाई, मेरे लिए यदि महल और शमशान में अंतर है, कांच और सोने में अंतर है, तो मेरे लिए पुण्य पाप में भी अंतर है, क्योंकि सोने की प्राप्ति पुण्य के उदय से होगी और कांच की प्राप्ति पाप के उदय से, लेकिन यदि मेरे लिए वो दोनों समान है, न मेरे को पुण्य में न मेरे को कांच में और न सोने में कोई अंतर दिखता है, मैं कहता हूँ दोनों में मेरा आत्मा आत्मा नहीं है, मैंने आत्मधर्म की प्राप्ति दोनों में ही नहीं है, जिस जीव को न पुण्य के फल में सुख दिखाई देता है न पाप के फल में सुख दिखता है, जिसके लिए दोनों ही दुखदाई दिखते हैं और दोनों में जिसे अपना आत्मा नहीं दिखता है, मैंने जिसे जिसने दोनों में अपने आत्म स्वभाव की प्राप्ति होती नहीं दिखती, उसके लिए वो दोनों क्या है, उसके लिए समान है, जिसको चाहिए हो संसार के सुख उसके लिए भले अंतर हो, मैंने जो संसार दुख से घबराता हो और संसार सुख की जिसे चाह हो उसके लिए तुम पुण्य और पाप में अंतर कहो तो भले ही कहो, लेकिन जिसे आत्मधर्म की अभिलाषा है, समझ में ना, जिसे आत्मिक सुख चाहिए, अनाकुल अतिंद्री मुक्ति का अभिलाषी जो है, उसके लिए तो ये दोनों समान। परमार्थ जैसे शुभोपयोग और अशुभोपयोग रूप द्वैत विद्यमान नहीं है, जैसे सुख और दुख रूप द्वैत विद्यमान नहीं है, क्या सुख और क्या दुख, जो इंद्रियों को सुहाना लगे वो सुख और जो इंद्रियों को सुहाना नहीं लगे वो दुख, लेकिन जो इंद्रियों को सुहाना लगता है वो भी परमार्थ से क्या है, दुख ही है, इसलिए सुख और दुख नाम का कोई द्वैत नहीं है, और जो शुभोपयोग है वो भी दुख को ही देता है, अशुभोपयोग को भी दुख को ही देता है, तो फिर उन दोनों में भी द्वैत नहीं है, ये सब सिद्ध करके आए। परमार्थ से जैसे शुभोपयोग और अशुभोपयोग में द्वैत नहीं है, सुख और दुख में द्वैत नहीं है, उसी प्रकार पुण्य और पाप रूप द्वैत का भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों ही आत्मा के धर्म न होने से निश्चय से समान ही। किस अपेक्षा से दोनों में समानता है, ध्यान रखना, क्या आपको चरणानियों के ऐसे भी ग्रंथ मिलेंगे जहाँ कहा जाएगा पाप मत करो पुण्य करो पुण्य से ही सब होता है, ऐसे भी ग्रंथ है, उसको ऐसा नहीं कुतुबुद्धाचार्य देव के ध्यान में वो नहीं है, वो बात ख्याल में है, लेकिन यहाँ परमार्थ वस्तु स्वरूप मुक्ति प्राप्ति का कारण क्या है वो बताया जा रहा है, प्रारंभिक भूमिका के जीव को पाप से हटाने के लिए गुरु उपदेश दिया जाएगा, लेकिन जब मोक्ष की बात चलेगी कि भाई मोक्ष मार्ग क्या है, तो फिर वहाँ तो ये पुण्य और पाप सबको समान बताते हुए और आत्मधर्म की प्राप्ति की प्रेरणा दी जाएगी, वहाँ फिर ये कोई अंतर नहीं है, क्या समझ में आया ना, ये बिल्कुल क्रिटिकल ऑपरेशन जहाँ हो रहा है तो फिर वहाँ ये सब दूसरी जितनी भी लोअर लेवल की बातें हो सब नहीं होगी, ये सब पहले करा है भाई, तुम यहाँ बैठे हो तो ये बैठे हो तो ये तो पुण्य ने इतना तो काम कर ही दिया ना, यदि तुम्हें वास्तव में पाप मतलब तुम पाप से घबराते नहीं होते और पुण्य की अभिलाषा नहीं होती तो तुम यहाँ बैठे ही क्यों होते, धर्म की अभिलाषा इसलिए तो बैठा है ना जीव यहाँ, अब उसके बाद भी हम उसे यही कहें कि भाई धर्म की अभिलाषा करनी चाहिए, अब धर्म की अभिलाषा नहीं साक्षात धर्म करना चाहिए, पाप से हटके जो पुण्य में आया है वो तो पहले पुण्य में तो स्थिति है,
अब उसे ये क्या कहें हम कि तुम पुण्य पुण्य करो, उसे तो हम कहेंगे कि तुम आत्मधर्म करो जिससे कि संसार का अभाव। अब ऐसा है वास्तव में तो दोनों समान है, ऐसा होने पर भी जो जीव उन दोनों में है, कैसे दोनों सोने और लोहे की बेड़ी की भांति, ये समयसार का उदाहरण कैसे, समयसार की चीज यहाँ पे भी ले लिया, समयसार में गाता है ज कालाय सम पुरिसम, है ना, जैसे लोहे की बेड़ी बंद दी काल है, खोलो नहीं नहीं अधिकार में तो मैं तो मालूम नहीं, लेकिन है क्या गाता क्या है, जय बंदी काला है सम जैसी है गाता, माने सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी बांधने में कोई अंतर करती है कि कोई की अंतर करती है, चाहे तिहाड़ जेल में बंद हो चाहे इंदौर की सेंट्रल जेल में हो, ये तो जेल ही ना, कोई अंतर है, अंतर है क्या, कहाँ जाना आप सेंट्रल, है क्या, लेकिन वो है क्या, फाइव स्टार जेल कहता हूँ, लेकिन है क्या हो, जेल की अपेक्षा क्या अंतर, अंदर क्या है वो अंदर खाने को मिल रहा है उससे क्या लगा देना, ये तो जेल ना, जिसको जिसको स्वतंत्रता चाहिए उसके लिए क्या है जेल, बंधन है। तोता है तोता, सोने का पिंजरा है, अच्छी बढ़िया काजू वगैरह खिलाने खाने को देते हैं, लेकिन तोते का मन रमता है क्या उसमें, काजू देते हैं अच्छी बढ़िया काजू, मालूम आपको, मैंने तोते को देखा, तोते को अच्छी बढ़िया काजू, लेकिन तोते का मन नहीं रमता उसमें, तोता तो निकलने की सोचता है क्या, मुक्ति और मुक्ति क्या चाहिए, मुक्ति मुक्ति चाहिए ना, मुक्ति के अभिलाषी को इसकी अभिलाषा नहीं होती, वो ये नहीं देखता है मैं कैसे बंधा हुआ हूं, वो ये देखता है कि मैं बंधा हुआ हूं, ऐसे संसार में जीव ये नहीं देखता कि मेरे पुण्य का उदय कि पाप का उदय, वो ये कहता है कि मेरे तो कर्म का उदय है, बांध रखा है इसने उदय, तो सोने की और लोहे की बेड़ी की भांति, पुण्य और पाप किसकी भांति है, सोए और सोने और लोहे, पाप कौन है इसमें, लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी, तो ऐसा होने पर भी जो जीव उन दोनों में अहंकारिक अंतर मानता हो, अहंकारिक माने अहंकार है उसको कि नहीं इन दोनों में अंतर है, इस जाति का अहंकार क्या है, एक्चुअल में परद्रव्य में अपनापन होता है ना, जैसे पुण्य के उदय वाले को कहे कि पहे अपन ये पुण्य का उदय सब धूल है, क्या ये भी संसार है, बल्कि जो इनमें रमा हुआ है वो घोर नरक में जाएगा, तो वो उसको अच्छा लगता है, सेठ को गाली, सेठ को ऐसा लगता है गाली दे रहे, सेठ की तारीफ करो आप उसकी चीज़ों की तो उसको अच्छा लगता है, जैसे समझ लो कोई यहाँ पे गाड़ी घोड़े लेके आया हो, अच्छा हो गया दस जने सलाम करो तो अच्छे बैठा हो, और अपन उसी कहें ये गाड़ी तेरे नरक में पहुँचाएगी, ये साक्षात नरक का द्वार है, और सेठ के बारे में दस बीस बातें बोल दो आप, बोलो क्या होगा, वो कहेगा मैं नरक जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन तुमको मैं जरूर अभी नरक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आदमी वो पुण्य के उदय में इतना मगन है, उतना अहंकारिक है उसमें कि वो उसको वो बात सुनने को ही राजी नहीं है, वो तो ये सुनने को उसको अच्छा लगता है कि साहब इनके महापुण्य का उदय है और ये महाधर्मात्मा महाधर्मज्ञ और महाज्ञाता और महापंडित और महाशूरवा सब पुण्य के उदय वाले को तारीफ सुनने के लिए तो बताता सबके जगह जगह, वो पुण्य का उदय अपना दिखाना चाहता है कि देखो देखो मेरे उदय है, और उसको ये बात सुनाना कि ये पुण्य का उदय और पाप का उदय समान है वो क्यों माने, जिससे मेरा आम पुष्ट होता हो, उसमें मेरे को कोई कहे कि ये मेरी चीज नहीं है तो ये बात मेरे को रुचेगी नहीं, रात दिन जब मैंने कान से वही चीज सुन रखी है, सुबह उठते ही दस जने सलाम ठोक रहे मेरे को, क्या कैसे समझ में आया उसका कि कुछ अपना नहीं, स्वर्ण और लोहे की बेड़ी की बात ही अहंकारिक अंतर मानता हुआ अहमिंद्र पद आदि
संपदाओं के कारण भूत आम इंद्र पद मिलते हैं ना, आम इंद्र पद आदि जो संपदाय मिलती उनके कारण भूत कौन है? धर्मानुराग, उस पर अत्यंत निर्भर रूप से गाढ़ रूप से अवलंबित है, मतलब उसी पे अवलंबित है कि यही मेरे को मोक्ष पहुंचा देगा। किस पे? धर्मानुराग पे। धर्म नहीं करता, धर्म का अनुराग करता बस। और यहाँ ये कहते हैं कि तू धर्म रूप परिणाम कर, क्या कर? धर्म रूप परिणाम, धर्मानुराग नहीं चाहिए हमें, हमें धर्म रूप जीव चाहिए। धर्म का अनुराग तो बहुत किया कि धर्म बहुत अच्छी चीज है, अब तुम धर्म अपने जीवन में उतारो। क्या क्या उतारे उसके लिए? मोह छोड़ो और क्या करो। भगवान बहुत अच्छे, मेरे को मंदिर बहुत अच्छा लगता भाई, मैं तो मंदिर में आके बैठ जाता हूँ। अभी हो गया है सब, मंदिर में आके जो करना है वो काम करो, मोह आदि के मोह राग के भाव को छोड़ो, वो नहीं छूटते बड़े, नहीं छूटते इतना लग जाओ और क्या करो। मतलब वही तो छोड़ना है, है? उसका उद्देश्य क्या है? मतलब यहाँ आके 10-12 घंटे बैठ गए अपन समझ, मतलब एक यहाँ नहीं बैठने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ आके बैठना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि वो उसका जो अंतिम ध्येय है वो क्या है? अंतिम ध्येय तो यही है कि पर द्रव्यों में अपनापन छूट कर आत्मा में अपनापन है, सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो, क्यों कुछ है? अंतिम लक्ष्य तो यही है ना, टारगेट, भाई तुम पूरे समय उसमें अवलंबित रहो क्या? बल्कि मैंने तो देखा कि जो धर्मानुराग पर अवलंबित है उसके धर्म की प्राप्ति होना कठिन है। धर्म के नाम पे, क्योंकि क्या करता है धर्मानुराग के नाम पे बताता हूँ आप, जैसे टाइम मिल जाएगा, लोगों का टाइम मिल जाता है, जैसे ये रिटायर होते हैं लोग, तो रिटायर होने पे थोड़ा टाइम मिल जाता है धर्म करने के लिए, तो समझ लो पहले भगवान के दर्शन करता हो तो वो पूजन चालू करेंगे, या पूजन करते होंगे तो उनकी पूजा की संख्या बढ़ेगी, एक करते होंगे तो कितनी करेंगे? दो। पहले जाप 9 बार देते थे तो आप कितनी बार देंगे? 108 बार। और ज़्यादा टाइम मिल गया तो एक की जगह 2 जाप, और टाइम ज़्यादा मिल गया 4 जाप, 6 जाप, 8 जाप, वो कभी इसमें नहीं आएगा। क्या धर्म के नाम पे टाइम भी मिलेगा तो भगवान का नाम लेता रहेगा, वो जाप देगा भले ही, वो भले ही किसी भी देश होते जागते जैसी भी, लेकिन जाप देगा, लेकिन उन भगवान की सुनने की रुचि उसको स्वप्न में भी उत्पन्न नहीं होती। बोलो, भगवान पे अनुराग है लेकिन भगवान की वाणी का अनुराग नहीं। मैंने समझ नहीं आया ऐसे कैसा धर्मात्मा है, भगवान के पित्ती प्रीति की रोज सुबह से शाम तक भगवान की जाप देगा, नमो अनंतान नमो सुखान, जाप दे सकता है, भगवान जो कह रहे हैं वो नहीं सुनना है। भगवान कह रहे हैं तू स्वयं अनंत बन, नहीं हम तुम्हारा नाम ले रहे हैं, कम कर रहे हैं इतना तो कर रहे हैं और क्या करें, जबरदस्ती तो हमको अपने जैसा बनाना, हमको नहीं बनना, हम तो तुम्हारा नाम लेंगे बस, हमारी सुन लो भैया, हमको नहीं सुनना ना, हमने कह दी एक बार नहीं सुनना, हम तो आपकी एक बार नहीं तो हम दिन में 4 बार जाप देंगे, जाप देते हैं खूब खूब जाप देते हैं मंदिरों में, आप चले जाओ लोग जाप 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 देना बहुत अच्छी बात है, अपने को एक जाप तो कम से कम देनी चाहिए, लेकिन बात यह कि जाप जाप तो पूरी दे रहा है और वो जो उनकी बात है वो तनिक भी नहीं सुन रहा, धर्मानुराग है धर्म नहीं है, संस्कार है कषाय मंदोही, वो उसमें ही अवलंबित है ना, वो उतने में संतुष्टि है, वही तो कह रहे हैं यहाँ पे, यही तो मत पढ़ रहे हैं कि वो उसी पे धर्मानुराग भी अत्यंत गाढ़ रूप से अवलंबित है कि यही मेरी नैया तिरा देगा, जबकि वे शास्त्र में आगे कहेंगे कि ये जो शास्त्र अभ्यास नहीं करेगा वो 3 काल में तिरेगा, क्योंकि मोह जाने का उपाय देखो, ये इतने रोज हम पढ़ते हैं सीखते हैं समझते हैं तो थोड़ा मोह में कमी होती थोड़ी है, और जो अभ्यास ही नहीं करेगा तो मोह जाएगा कैसे, तो बताओ मेरे को कैसे चले जाएगा, मैंने अरे तुम ऐसी बात करो, मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ सागर में नैया डाल रखी है, बस जो भी होगा देख लूंगा, तो नैया डाल रखी है तो नैया बस नैया ही होगी तुम्हारी पूजा,
नहीं तिरने वाले, तुमको अपने खुद में हाथ में लेनी पड़ेगी भैया, तुम्हें पुरुषार्थ पूर्वक उपाय करना होगा और उपाय करके समझना होगा। वस्तु स्वरूप समझोगे, वस्तु का विज्ञान समझोगे, छह द्रव्य की सात तत्व की व्यवस्था समझोगे, स्वयमेव मोह नष्ट होगा। मोह जाता है आपको आप वस्तु व्यवस्था समझने के बाद, छह द्रव्यों की स्वतंत्रता, सात तत्व का स्वरूप है, द्रव्यों की भिन्नता, ये समझ में आने पर मोह चले जाता है। और अभी क्या करता है, सब द्रव्यों को एक दूसरे का कर्ता मानता है, मोह कहां से नष्ट। मैं परिवार का करता हूँ, परिवार मेरा करता है, मोह क्या नष्ट है, मोह नष्ट हो ही नहीं सकता। मोह के नष्ट होने का उपाय तो अभ्यास है। दुनिया में कोई एजुकेशन के बिना कोई काम चले जाता है क्या? आदमी बिना पढ़े और वो होशियार हो जाएगा क्यों? तो बाजार में इंजेक्शन मिलते हैं कि चलो बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इंजेक्शन लगाना, चलो सिविल इंजीनियरिंग का, एक डॉक्टरी का, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। बताओ दुनिया के अंदर कोई भी काम बिना शिक्षा के नहीं होता, तो धर्म जैसी चीज बिना शिक्षा के कैसे आ जाएगी ऊपर से? तुम रोज जाप दो, जो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो टीचर थे ना उनकी रोज जाप दो, क्या नाम से नाटा नाटा नाटा, और परीक्षा में क्वेश्चन फिर वहां जाप देना चालू कर, क्या होगा? कुछ नहीं आएगा क्या? मुझे पढ़ा रहा है वो, पढ़ो मजा आके, अच्छे से उपयोग लगा के मन लगा के पढ़ो और घर पे मेहनत करो, उसका अभ्यास चिंतन करो, बराबर परीक्षा में लिखो पास हो, और क्या उपाय? और कोई उपाय थोड़ी नहीं इसका, ये कोई उपाय नहीं, प्रैक्टिकल चीज है, धर्म बोल प्रैक्टिकल चीज है। वस्तु व्यवस्था समझे बिना किसी का मोह नष्ट हो ही नहीं सकता। ये लोग काय पे अवलंबित है, धर्मानुराग पे अवलंबित, धर्म से प्रेम है इनको, बहुत बहुत प्रेम है, पर धर्म से प्रेम है लेकिन धर्म नहीं, धर्म रूप परिणमना नहीं चाहते। हम कह रहे हैं कि तू धर्म से प्रेम ही क्या, हम तेरे को धर्म रूप परिणमाने की बात करा रहे हैं, हम तेरे को साक्षात अनंत बनाने की बात कर रहे हैं, वो तेरे को सुनना नहीं और तू कह रहा नहीं मैं तो इनडायरेक्ट रास्ता पकड़ूंगा। हम तेरे को डायरेक्ट बात बता रहे हैं भैया, जो कुंदकुंदाचार्य देव आचार्य ने लिखी है वो बात तेरे कान में सीधे सुना रहे हैं, जो साक्षात तीर्थंकर ने सुनाई वो बात हम तेरे को बता रहे हैं, बोल है? अब ये और क्या किया जाए कि नहीं अभी तो मैं अभी तो पहले मैं ये करूंगा और वो करूंगा ये करूंगा, हम सीधे मार्ग बता रहे हैं ना, सीधे डायरेक्ट। इसलिए नहीं होगी इंटरेस्ट तो कहाँ से तिरेगा, जैसे कोई कहे सीए के अंदर मेरे को टीचर के तो बहुत, टीचर की भक्ति तो बहुत मन, रोज कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आता है, तो पढ़ने के मन नहीं करता, क्या होगा? चुनावी सभा तो ही नहीं, जब तुम चिल्ला मोदी मोदी और कहा हो जाए ऐसा ही, तो जो है मेहनत करनी पड़ेगी और कोई उपाय। क्या इसमें खूब है, इसमें ये दौलत राम ने कितने भजन लिखे, क्या कि नाम जपता है सब करता है, क्या हरण का नाम जपता है लेकिन नाम जपने से कैसे मुक्ति मिलेगी, नाम जपन क्या वो भजन याद नहीं आ रहा है, भजन एक बहुत अच्छा है इसके ऊपर, भगवान का नाम जपता है लेकिन नाम जपता है लेकिन उनकी सुनता ही नहीं, वो जो कह रहे हैं वो नहीं मानता है, उनकी उनकी नाम की जाप जपेगा और वो जो कहते हैं वो नहीं मानता, ये दुष्ट आत्मा है। लेकिन पिताजी जो कह रहे हैं वो नहीं करना है, वो पिताजी का नाम जपना है, नहीं होगा और तो। इसलिए काय पे आकुल, काय पे अवलंबित है, धर्मानुराग पे अत्यंत निर्भर रूप से अवलंबित है वह जीव, वास्तव में चित्त भूमि के उपरक्त होने से, उसकी चित्त भूमि कैसी है, उपरक्त है, उपरक्त माने रंगी हुई है, रंगी हुई मैंने साफ नहीं है मलिन है, कैसे कर्मोपाधि के निमित्त से उसकी चित्त की भूमि रंगी हुई है, मलिन है, विकृत है, कर्म की उपाधि है बेचारे को, कर्म के उदय से उसको समझ में नहीं आता वस्तु स्वरूप क्या है, सीधी सीधी बात बताते हैं वो समझ में नहीं आती, लोग पता नहीं क्या क्या हम ये करें वो करें ये करें ये करें,
हाँ, धर्म का मार्ग बिल्कुल सीधा सच्चा है, एकदम साफ। चित्त भूमि उपरक्त होने से जिसने शुद्धोपयोग शक्ति का तिरस्कार किया है, और कैसा है वो शुद्धोपयोग की शक्ति का तिरस्कार किया, अपने आत्मा की शक्ति का तिरस्कार किया, उसने शुभोपयोग और अशुभोपयोग पे गाढ़ रूप से अवलंबित है, मैंने उसका इतना आदर किया है कि अपनी शुद्धोपयोग शक्ति को तिरस्कृत कर दिया। ऐसा बढ़ता हुआ संसार पर्यंत, माने जब तक संसार का अस्तित्व है तब तक, अर्थात सदा के लिए संसार शारीरिक दुख का ही अनुभव करता है। कितनी खतरनाक बात है, कब तक है संसार? अनंत काल तक। तो वो अनंत काल तक क्या करेगा वो जीव? वो शरीर संबंधी दुख का ही अनुभव करेगा, अने पुण्य के उदय में भी शरीर संबंधी शरीर के ही पालन पोषण करता रहेगा। ये अनंत काल तक उसके साथ में शरीर रहेगा और वो शरीर की वृद्धि किया करेगा और शरीर संबंधी दुख को ही अनुभव किया करेगा, उसके कभी संसार का अभाव आने वाला नहीं। शरीर मिल रहा तो शरीर की वृद्धि करता रहेगा, भव भव में जाएगा और बस शरीर को टिकाए रखने का जिंदगी भर उपाय करता रहेगा कि शरीर टिका रहे, उसके लिए कमाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, उसी को उसका नाम करने के लिए बहुत मेहनत करता रहेगा, ये करेगा, ख्याति पूजा लाभ करने चक्कर पड़ता रहेगा, क्या करेगा, क्या करेगा? कभी शरीर के नाश का उपाय क्यों करेगा? क्योंकि उसने शरीर के पोषण के उपाय सोच रखे, उसने कि पुण्य से शरीर का पोषण होता है, पाप से शरीर को तकलीफ मिलती है, तो पुण्य का बंद करो ताकि शरीर का पोषण होता रहे। क्यों? ये बात सीखी कब कि शरीर नहीं मिले ऐसा कुछ काम करा जाए कि जिससे शरीर का ना पोषण की बात रहे ना शरीर के नहीं पोषण। शरीर मिले ही नहीं तो ना पुण्य की जरूरत है ना पाप, पुण्य पाप की जरूरत क्या के लिए? शरीर के लिए, शरीर है तो भाई पुण्य का उदय रहे, बीमारी नहीं आए, सब ठीक ठाक रहे। क्यों? ये द्रवेंद्री है तो चलती रहे, आँख चलती रहे, कान नाक चलते रहे। लेकिन हम जब ये कह रहे हैं कि तुम्हें ये शरीर रहे ही नहीं, तुम्हारा ज्ञान सीधे ज्ञान से बढ़ते, इंद्रियों के द्वार से बढ़ते ही नहीं, दे रहे ही नहीं है, सीधा अपना ज्ञान और आनंद अपने आप से चले काम उसका, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। जब दे ही नहीं रहे तो ना पुण्य की जरूरत है ना पाप, क्या चिंता है? स्वस्थ रहने, जब शरीर ही नहीं है तो स्वस्थ रहने के लिए पुण्य किसको चाहिए? शरीर ही नहीं है तो उसकी व्यवस्था के लिए पुण्य किसको चाहिए? बताओ, पुण्य की जरूरत काय के लिए है? शरीर, शरीर को माइनस कर दो फिर पुण्य को देखो क्या के लिए जरूरत? सिद्ध भगवान परम सुखी है देह के बिना ही, पुण्य के बिना ही। तो ये कह रहे हैं कि वो कब तक, जो जीव ये नहीं मानता है क्या कि इसमें अंतर नहीं है, जो ये बात नहीं मानता है, वो जीव जो है मैंने अहम का ये इनके धर्मानुराग पे अत्यंत निर्भर गाढ़ रूप से अवलंबित होता हुआ वो चित्त भूमि के उपरोक्त होने से, चित्त भूमि उसकी मलिन है, उसने अपनी शुद्धोपयोग शक्ति का तिरस्कार किया है, मैंने उसने अपनी शुद्धोपयोग शक्ति को खो डाला है, इसी पे अवलंबित है ना, उसको अपनी शक्ति का ही विश्वास नहीं कि मेरे में शक्ति की मैं प्रकट कर सकता हूँ, आदमी को कॉन्फिडेंस ही नहीं। 99% लोग ऐसे हैं कि जिनको ये प्रतीति नहीं है कि हम स्वयं भी भगवान बन सकते, इसलिए बनते ही नहीं। तो प्रतीति नहीं, तुम्हारे अंदर में ये विश्वास ही नहीं है तुम्हें कि हम ये काम कर सकते हैं, तो ये काम होगा ही कैसे? अधिकांश लोगों को तो ये है कि हम शुद्धोपयोग प्राप्त कर ही नहीं सकते, तो नहीं कर सकते तो नहीं होगा, कर सकते हैं तो होगा, कर ही नहीं सकते तो बात बन। शुद्धोपयोग शक्ति का तिरस्कार किया वो किसने? जो शुभोपयोग की भूमिका में ही अवलंबित है गाढ़ रूप से। और कब तक? जब तक संसार है तब तक वो शारीरिक दुख का ही अनुभव करता है, ऐसा है। देखो भावार्थ, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी दोनों अविशेष रूप से बांधने का ही काम करती है, उसी प्रकार पुण्य पाप दोनों अविशेष रूप से बिना कोई अंतर के बंधन ही है। और जो जीव पुण्य और पाप की अविशेषता को कभी नहीं मानता, इनमें अंतर नहीं है ये बात नहीं मानता, कभी नहीं मानता, उसका इस भयंकर संसार में परिभ्रमण का कभी
अंतरियाम, भले वो कितने पुण्य करे उससे कोई मतलब नहीं है, ये बात उसको स्वीकार होती है कि नहीं होती है, ये नहीं होती है तो घोर संसार का अंत नहीं आएगा। बात स्वीकार तो करे क्या, यदि बात चित्त को ही नहीं जमती जिसको, बल्कि जो इस बात को नहीं मानता है तो उसके घोर अपार संसार का अंत कभी नहीं आता। कल तो मतलब